मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में समर वेकेशन शुरू होते ही समर कैंप की शुरुआत हो चुकी है। समर कैंप के माध्यम से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी सीख रहे हैं। ग्वालियर शहर के मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दर्पण कॉलोनी में समर वेकेशन के चलते समर कैंप लगाया गया है। समर कैंप का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रखा गया है। समर कैंप में डांस एक्टिविटी, पेंटिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, मार्शल आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सहित अन्य कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें अनुभवी टीचर्स की मौजूदगी है। समर कैंप में आने के लिए बच्चे सुबह से ही उत्साहित रहते हैं। मॉडल कॉन्वेंट स्कूल के समर कैंप में बच्चों को घर जैसा माहौल मिल रहा है। समर कैंप में टीचर एक एक बच्चे को हर एक्टिविटी सिखा रहे हैं। आपके कौन है स्टूडेंट? कैसा लग रहा है स्कूल का एनवायरनमेंट? अच्छा है, मेरे को स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा लगा। अन पेरेंट्स के लिए कोई खास मैसेज आप क्या देना चाहते हो पेरेंट्स के लिए? स्कूल अच्छा है, ये आप अपने बच्चों को सिक्योरिटी है यहाँ पे अच्छी है, मुझे तो सही लगा यहाँ बच्चों को पढ़ाना। आप लोग भी फ्री हो गए, अपने माइंड फ्री हो गए, बच्चों को डांस भी अच्छा सिखा रही है, सब कुछ अच्छा है। क्या नाम है आपका? रश्मिका अग्रवाल। आज समर कैंप जो चल रहा है, समर कैंप के बारे में? ये यहाँ पे मॉडल कॉन्वेंट स्कूल है हमारा, इसमें समर कैंप स्टार्ट हुआ है 10 से 10 जून तक है। इसमें अभी डांस भी चल रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, मार्शल आर्ट है, देन अपन रंगोली, मेहंदी, ये सारे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और अभी बच्चे डांस सीख रहे हैं, अभी बच्चे और एक्टिविटीज़ के बच्चे नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे ओनली आर्ट चल रहा है और डांस चल रहा है। कुल कितने बच्चों ने भाग लिया है? अभी यहाँ पर 7 बच्चे हैं, अभी ये आए हैं, ओनली 7 बच्चे हैं। बैच का टाइमिंग वगैरह क्या चल रहा है? ये 9 to 11। 9 to 11। डांस में क्या क्या चल रहा है? डांस में क्या क्या? ये नॉर्मल बच्चों का, जैसे बम बम बोले पे सिखाया है, गलती से मिस्टेक, नॉर्मल डांस है ये, कोई पर्टिकुलर कोई डांस का फॉर्म नहीं है, नॉर्मल बच्चों के लिए है। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।